माजी की गलतियों से मुस्तकबिल के नताइज जब कबूल कर लिए तो मिल गई निजात। भाईजान, आपके पास माचिस होगी? लगता है आप किसी इस्तराब का शिकार हो। आपकी आंखें बेचैनी में हैं। यह लगता है आपको किसी के जाने का बहुत गम है। यह लगता है किसी के इंतजार में बाजार हो रहे हो। ये किसकी कब्र है? एक खूबसूरत रूह इस जिस्म में रहा करती थी, जो इस मिट्टी के ढेर तले दबा पड़ा है। जिस औरत का था या मर्द का? लड़की का। मोहब्बत करते थे उससे? मोहब्बत नहीं थी, सहर सा था उसका मुझ पर, अकीदत सी थी मुझे उससे। खूबसूरत थी वो? खूबसूरत? खूबसूरती का मेयार तो हर किसी का अलग है। वो तो हुस्न की देवी थी और मैं उसका पुजारी। उसके दिल में सूरज था और उसकी आंखों से तारे टमटमाते थे और उसके हाथों में उम्मीदों का चिराग। ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन तुम वो पहले शख्स हो जिससे उसके बारे में बात हो रही है। कुछ अपने बारे में भी बताओ।
या सिर्फ इसी का जिक्र करते रहोगे? अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो मुसलसल इस सिगरेट की तरह जल रहा था। हवा भी तेज थी और रफ्तार भी। मरने का बहुत दिल करता था लेकिन मौत से डर लगता था, और ऐसे बेजार था जैसे आप। फिर क्या हुआ रम्या, थोड़ा जल्दी करो ना, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मुझे लगता है मैं उस लड़के को जानती हूँ। अरे जानती भी हो तो क्या, एक मिनट रुको। एहसन, एहसन, तुम एहसन हो ना, मुझे पहचानते हो? मैं रम्या, हम 8 तक साथ पढ़ते थे। इस हालत में पहचानोगी भी कैसे? रम्या जल्दी करो ना, जाना भी है। एक मिनट। ये लो मेरी चादर ओढ़ लो, सर्दी से बच जाओगे। सुनो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तुमने से अपनी चादर भी दे दी और पैसे भी। उसे सर्दी लग रही थी ना। और वो पैसे? वो भूखा था यार, और वैसे भी उसने मेरी मदद तब की थी जब मैं बहुत बेबस। ये लोग ऐसे ही होते हैं, भूखा कह के उन्हें पैसे से नशा करते हैं। नहीं, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। वैसे ऐसी भी क्या मदद की थी उसने? उसने मुझे किसी शख्स की हवस का निशाना बनने से बचाया था। एक मिनट रुको फातिमा। एहसन, एहसन, वादा करो कल यहीं रहोगे। अगर सांसों ने साथ दिया तो कल यहीं मिलूंगा। फिर तुमने उन पैसों को कहां खर्च किया? मुझे भूख एक तरह की नहीं थी, समझ रहे हो ना, लेकिन उसके पैसों ने दोनों तरह की भूख को मिटा दिया। लेकिन उस वक्त पेट की भूख बहुत ज्यादा थी। मरना तो मैं चाहता था और जहर भी खा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, मगर जो भूख पेट की है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। पेट की भूख तो इंसान को मरने मारने पर मजबूर कर देती, कभी कभार तो पिस्तौल की नोक पर। फिर क्या हुआ, वो दोबारा आई? मुझे नहीं लगता ये जगह बैठने या बात करने के लिए ठीक है, कहीं और चलकर बैठते हैं। वहाँ, वहाँ चलकर बैठते हैं।
चोट लगी हुई है? कल तुमने मेरी मदद की थी, आज इसलिए यहां बैठा हूं। बोलो क्या बात है? तुमसे कुछ पूछना था, पूछूं? कल मैंने जो पैसे दिए थे उसका क्या किया था? खाना खाया था या नशा किया था ना तुमने? बोलो। मैं जो भी लूं उसका, खाना या नशा, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र? तुमने मुझे पैसे दिए या मुझे पैसे ना देती रहम खाकर? ना देती वो पैसे। तुम्हें याद है जब तुमने मेरी मदद की थी? तुमने बचाया था मुझे, मेरी जिंदगी बचाई थी, मेरी इज्जत बचाई थी। मुझे तो ये याद नहीं कि मैं कौन, मैं जिंदा क्यों और मैंने किया क्या। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों हो गए ऐसे? हो क्या गया है? तुम भी मेरी तरह हो जाती अगर तुम्हारे साथ भी सब वही गुजरता जो मेरे साथ गुजरी है। मैं नहीं, कभी भी नहीं, चाहे जो भी हो जाता। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मारता हो रोज और वो पागल होकर मर जाए तब भी नहीं, और तुम्हारा वही बाप दूसरी शादी कर ले और अपनी नई दुल्हन के कहने पर तुम्हें घर से निकाल दे तब भी नहीं। हाँ शायद, शायद मैं टूट जाती लेकिन अपनी ये हालत ना बनाती। तुम नहीं समझोगी, कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ खुद के साथ बीती हो। ये अब तुम्हारे हैं, चाहे जो भी करो इनका। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे नहीं पता तुम इसे किस सेंस में लोगे, लेकिन मुझे कैंसर है। शायद बच जाऊँ, कुछ अरसा दवाइयाँ खाने के बाद सर्जरी है और शायद कामयाब भी हो जाए। ये वो पैसे हैं जो मैंने अपने लिए बचा कर रखे थे, अपने छोटे मोटे ख्वाब पूरे करने के लिए, लेकिन अब जिंदगी का भरोसा नहीं। मैं इनका हकदार नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ नशा पूरा करने के लिए पैसे हैं, जबकि तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाब पूरे करने का जरिया है। मुझे नहीं चाहिए अब ये तुम्हारे हैं, ये कागज के टुकड़े भी और मेरे ख्वाब भी। चाहे तो नशे में उड़ा दो इनको, या मेरे ख्वाबों के जरिए को एक मानी खेज रंग दे दो। कैसे रंग दूं? वो तुम्हारी मर्जी। और हाँ, पाँव के लिए दवाई जरूर ले लेना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे आगे सिर्फ अब दो ही रास्ते थे। कैसे दो रास्ते? एक वो जिस पर मैं चल रहा था और एक वो जिस पर रमिया चाहती थी कि मैं चलूं। तुमने किस रास्ते पे चलने का फैसला किया? फैसला तो नहीं हो रहा था, बस मैंने उठकर लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते मैंने आगे देखा कि एक लड़का और लड़की जा रहे हैं और वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं, और उनको देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई। लोगों को खुश देखकर हमें रश क्यों होता है? हम क्यों उस चीज के लिए भागते हैं जो हमारी होती है? ये तो इंसान की फितरत है। मुझे जिंदगी ने पहले भी एक दफा मौका दिया था जिसको मैंने हासिल करने के बजाय गवा दिया। कुछ मौकों को गवा देना ही अच्छा होता है, कुछ वाकियात को भुला देना ही अच्छा होता है।
अगर बुला सके तो। हाँ, वो भी मेरे अंधेरे में डकी जिंदगी का एक वाकया था जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहता। कुछ काम करने का सोचा अगले दिन। जिसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि कुछ कर सकता। फिर उससे मिलने का इंतजार किया होगा। आई थी? नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई वजह तो होगी। हाँ, शायद इस वजह से नहीं आई। उसको लगता था कि उसके पैसों को मैंने नशे में ना उड़ा दिया हूं। तो फिर कब आई? आई भी कि नहीं आई? आई, लेकिन अगले दिन आई। रम्या, आज यहाँ क्यों? मैं सामने वाले पार्क में तुम्हें ढूंढ रही थी। अब उस जगह से नफरत सी हो गई है। वहां बैठने का दिल नहीं करता। मतलब कि फैसला हो गया? जी हाँ, हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण आई और मुझे अंधेरे से निकाल लाई और मुझे जिंदगी का मकसद मिल गया, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अचानक से इतना बदलोगे तो मसला नहीं होगा तुम्हें? हाँ, बहुत मुश्किल हो रही है। तड़प भी पैदा होती है, लेकिन दवाई ली है। अब जो भी हो जाए, इस लानत से किसी तरीके से छुटकारा हासिल करना है। तुम इतनी कोशिश कर ही रहे हो तो एक काम करो, अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। तुम्हें सुकून भी मिलेगा और सवाब भी। वादा करो। मैं कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, पक्का इरादा। खैर, आगे क्या करने का सोच रहे हो? अभी तो रहने का मसला हो रहा है। किराए के लिए छोटा सा मकान या घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। हाँ, हमारे घर के साथ एक मकान किराए के लिए खाली है, और वो है भी हमारा अपना। मैं एक काम करती हूँ, भाई से जाकर बात करती हूँ, तुम उनसे चाबी ले लेना। अच्छा, नहीं, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर लिया। अब मैं और मज़ीद एहसान नहीं ले सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं अभी जाकर बात करती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रमिया, रहने दो। ज़रूरत है रमिया, अभी मत जाओ। जाना तो मैंने है ही, आज नहीं तो कुछ तो नहीं। एक तारा किस्मत दा डुबया किनारे ते, खाम खाही जूंदे रहे उस दे सहारे ते। जड़े एक दिन टूट जाने, मुड़ के ना जुड़ पाने, सुपने ओ कोई सजाए ना रब्बा, जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए ना रब्बा। देने सी जे मैनू बाच हंजू, ते पहला कोई हसाए ना रब्बा।
जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। ओ मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए। ओ तू एक भी सुनी ना तेनू तरस ना आया सी दर्द जुदाई सेंदे रह गए। हो जीना बड़ा मुश्किल होवे दिन रात दिल रोवे एना भी कोई सताए ना रब्बा। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। आए जे कदे ते फिर जाए ना रब्बा। देने सी जे मैनू बाचे हंजू ते पहला कोई हसाए ना रब्बा। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। कितना अरसा हो गया इस वाक्य? तकरीबन 45 दिन। फिर भी इतना पुरसकून है? सुकून तो मुझे उस जात पर भरोसा करने से मिला है। रमिया तो चली गई लेकिन मुझे खुदा के करीब कर गई। पहले मैं उसकी वजह से खुदा के करीब हुआ लेकिन खुदा ने फिर मुझे अपने पास ही रख लिया। कुछ अपने बारे में भी बताओ। मेरी जिंदगी कुछ खास नहीं बताने को। कुछ है जो बता सकता हूं, कुछ है जो नहीं बता सकता। एक आम पुरसकून जिंदगी गुजारना भी कितना मुश्किल होता है ना। हाँ ये तो है लेकिन फूल पाने से पहले कांटों से गुजरना पड़ता है। जैसे नकारा और बेबस की जिंदगी जानकर क्या करूं। मेरा नाम यूनस है। मेरे वालिद एक इलेक्ट्रिशियन थे और इत्तेफाक की बात यही है कि उसी बिजली ने उनकी जान ले ली। कुछ माह बाद हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब घर पर मैं और मेरी छोटी बहन रह गई थी। ना कोई जरिया था खाने का और ना ही मेरे पास कोई खास नौकरी। बस जो रूखा सूखा था वही खा सकते थे। वक्त के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। मेरी मंगनी तो हो चुकी थी पर शादी नहीं कर सकता था। अपनी बहन का बोझ जो उठाना था पर मेरे इस कमजोर कंधों में इतनी ताकत कहाँ कि उसका बोझ उठा सकता। वो जिंदगी जिसकी वो हकदार थी उसे दे सकता। फिर मैंने एक फैसला किया हम दोनों की खातिर। क्यारा जी, क्यारा आज मैंने हम दोनों के बारे में एक फैसला किया है। कैसा फैसला? शायद बाहर कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो जिरवा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। क्यारा तैयार हो गई है? पहले तुम अंदर तो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यारा तुमने सामान नहीं पैक किया? कैसा सामान? बताया नहीं आपने? क्या नहीं बताया? यही कि तुम मेरे घर आ रही हो और अब उधर ही रहोगी। मैंने मम्मा पापा से बात कर ली है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं, वैसे भी तुम उनकी बेटी जैसी ही हो। पर भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यूनस आजकल बहुत मुश्किल में है और ऊपर से घर का किराया। और भाई? मैं आज शाम लाहौर जा रहा हूँ, कुछ काम मिला है, शायद वो मदद कर सके हमारी। और घर का सामान? घर का सामान कौन सा इतना ज़्यादा है, वो भी रखवा दूंगा कहीं। क्यारा तुम जाके अपना बैग में सामान पैक करो। ज़िरवा तुम तो बैठो। थैंक यू ज़िरवा, मेरी मदद के लिए। दरअसल इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से ज़्यादा क्यारा का ख्याल रखोगी। आप भी अपना ख्याल रखना और रابطہ लाजमी रखना। मैं क्यारा से आपकी बात करवा दिया करूँगी। ठीक है, मैंने अपना सामान बांध लिया और आज शाम में ही रवाना हो जाऊँगा। फिर शायद कुछ अर्सा मुलाकात ना हो सके। कोई नहीं, हूं तो मैं तुम्हारी ही। चलो हम चलते हैं। क्यारा का ख्याल रखना, और क्यारा तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो। 10 दिन गुजर गए,
एक बार भी कॉल नहीं की। मेरा नहीं, बहन का ही पूछ सकते थे। वक्त नहीं मिल सका, दरअसल काम बहुत ज्यादा है और थक जाता हूँ। ऊपर से मोबाइल चार्ज करने का वक्त भी बड़ी। बहाने नहीं बनाओ, फिकर तो है नहीं ना। अच्छा एक बात पूछनी थी, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी रजामंदी चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? कौन सी जरूरी बात? क्यारा का रिश्ता आया है। मेरा कजन आया था हमारे घर, उसे क्यारा पसंद आई है। फैमिली ने भी बात कर ली है। लड़का भी अच्छा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी, फैमिली भी अच्छी है। वो चाहते हैं कि सादा निकाह हो और कोई ज्यादा डिमांड नहीं उनकी। क्यारा कहती है कि अगर भाई राजी तो मैं राजी। अब तुम बताओ। देखो जैसे तुम्हें बेहतर लगता है। अब मेरे से ज्यादा क्यारा पे तुम्हारा हक है। अगर तुम्हें भरोसा उस लड़के पे तो मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा मैं अभी घर वालों को बताती हूँ। वो थोड़ा जल्दी कर लें तो कोई मसला तो नहीं? जल्दी कर लें तो बेहतर है, घर वाले भी यही चाहते हैं। अंकल ने सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा। अच्छा मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज देता हूँ, अभी इसी वक्त तो इतने ही हैं, बाकी उधार हो सके तो दे देना। ऐसी बात नहीं है, जितना हो सकेगा हम करेंगे। अच्छा मैं अभी घर वालों को बताती हूँ। शादी कैसे हुई? पता नहीं, मैं नहीं जा सका। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि कुछ लेता और जा सकता हुआ। पर मैंने बात की थी क्यारा से, मुझे समझाया था, पर वो बहुत रोई। फिर मैंने उसे वादा किया कि कुछ दिनों बाद आऊंगा। बहन के जाने का गम तो हुआ होगा। नहीं, कुछ सुकून सा था। वो जिंदगी जो मैं उसे नहीं दे सकता था उसे मिलने वाली थी। मेरे सर से बोझ हल्का हो गया था। तो मिलने गए कुछ दिनों बाद? कुछ दिनों बाद तो क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ इन दिनों में? और जरबा 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 का क्या हुआ? और जरबा कल आ रहे हो ना? क्या हुआ, कल आ रहे हो कि नहीं? कुछ तो बोलो। बाबा सुनो। शुक्र बोले तो। अच्छा बताओ कल आ रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया ऐसा? इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। सिर्फ़ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मेरा जमीर मर चुका है और मेरा दिल भी मुर्दा हो चुका है। तुम किसी मुर्दा के लिए नहीं बनी।
मैं इस गिल्ट पर जिंदगी तो गुजार सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ऐसा क्या हो गया यूनुस? मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सिर्फ बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगनी है और मेरे हाथों में गंदगी है। तुम्हारे हाथों में सोने की चूड़ियां हैं और मेरे हाथों में हथकड़ी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिर्फ, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर नहीं बताना चाहते तो मर्जी है तुम्हारी, मगर खुदा की जात पर भरोसा रखो। भरोसा तो खुद में ही एक बुरी चीज है, ये इंसान को उम्मीद देती है और जब भरोसा टूटता है तो उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन जो कुछ भी होता है उसी की मर्जी से होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक वाक्य से आपकी जिंदगी रुक जाए। कुछ लम्हात आपको हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर देते हैं। अपने आप से निजात और कुछ लम्हात से निजात कभी कभी बहुत जरूरी हो जाती है, और ये सिर्फ खुदा के करीब जाने से ही मिलती है। जिंदगी में मरने वाले जिंदगी पे मर के देख।
मुश्किल दर हयात, निजात दर वफात।